गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हैव प्लस इन्फिनिटिव का यूज कैसे करते हैं इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत भी उसके तौर तरीके बताए गए, उसके नियम बताए गए कि प्रेजेंट टेंस में आप हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू और शैल हैव टू लगाकर आगे इन्फिनेटिव लिखी जाती है। यह हैव प्लस इन्फिनेटिव किसी भी टेंस के अंतर्गत तब प्रयोग किया जाता है जब हिंदी वाक्य में पढ़ता है, पढ़ते, पढ़ता था, पढ़ेगा, जाना है, खाना है, करना है, करना पड़ेगा, करना पड़ता था, ऐसे करके आया हो। यानी कार्य अगर मजबूरी में किया गया है, कार्य अगर आवश्यक है, जैसे हमें 6 बजे विद्यालय जाना है, आवश्यक काम होगा, या अथवा धमकी दी गई किसी को कि मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, यह क्या है, धमकी है। तो जब कार्य आवश्यक, जब कार्य मजबूरी बस किया जाए या धमकी की बात हो तो वहां हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस से बनता है हैज टू और हैव टू। सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट टेंस में हैज टू और प्लस इन्फिनेटिव लगता है, और आई यू वी दे और अन्य बहुवचन के साथ हैव टू प्रेजेंट टेंस में लगाया जाता है। पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड टू प्लस इन्फिनेटिव लगती है और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ किया जाता है। उसी पर यह उदाहरण पेश किए गए हैं। उन दिनों मुझे दवाओं पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, मजबूरी थी। उन दिनों मुझे दवाओं पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, आई हैड टू स्पेंड, मुझे खर्च करना पड़ता था, आई हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन मेडिसिन, आई हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन मेडिसिन दोज डेज, उन दिनों। दूसरा है, तुम्हें घर, तुम्हें 10 बजे से पहले घर लौटना है, आदेश है, धमकी समझिए, तुम्हें 10 बजे से पहले घर लौटना है, काम आवश्यक है, यू हैव टू कम बैक होम, यू हैव टू कम बैक होम बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले, यू हैव टू कम बैक होम बिफोर 10 o'clock। नंबर 3, नीरज को अपने स्वास्थ्य का और अधिक ध्यान रखना है, नीरज को अपने स्वास्थ्य का और अधिक ध्यान रखना है। नंबर 3, नीरज हैज टू बी मोर केयरफुल, नीरज हैज टू बी मोर केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, नीरज हैज टू बी मोर केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ। क्या आपको रोज सवेरे उठना पड़ता है? क्या आपको रोज सवेरे उठना पड़ता है? मतलब डू यू हैव टू गेट अप अर्ली? करेक्ट, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली? क्या उठना पड़ता है अर्ली एवरी मॉर्निंग? डू यू हैव टू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग? डू यू हैव टू गेट अप अर्ली? क्या आपको रोज सवेरे उठना पड़ता है? डू यू हैव टू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग? क्या दिल्ली में लोगों को शनिवार को काम नहीं करना पड़ता है? क्या दिल्ली में लोगों को
शनिवार को काम नहीं करना पड़ता है। डोंट दे पीपुल इन दिल्ली, डोंट दे पीपुल इन दिल्ली हैव टू वर्क ऑन सैटरडे, या डू दे पीपुल इन दिल्ली नॉट हैव टू वर्क ऑन सैटरडे। अगर पहले नॉट लगाएंगे तो डोंट लिख देंगे, डोंट दे पीपुल इन दिल्ली हैव टू वर्क ऑन सैटरडे, अथवा डू दे पीपुल इन दिल्ली नॉट हैव टू वर्क ऑन सैटरडे। परीक्षा पास करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। परीक्षा पास करने वन हैज टू वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। वन हैज टू वर्क हार्ड किस लिए? टू पास द इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। वन है टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। सातवां है आपको कुछ समय तक और धैर्य रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव पेशेंस, आपको कुछ देर तक कुछ समय तक और धैर्य रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव पेशेंस फॉर सम टाइम मोर, यू विल हैव टू हैव पेशेंस आपको धैर्य रखना पड़ेगा फॉर सम टाइम मोर, कुछ और समय तक। हमें यह कार्य कल तक पूरा करना पड़ेगा। वी शैल हैव टू कंप्लीट, वी शैल हैव टू कंप्लीट या विल भी लगा सकते हैं। वी विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक। वी शैल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, हमें यह कार्य कल तक पूरा करना पड़ेगा। यू विल हैव या वी शैल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। अब अगले में आइए, सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कर सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वन हैज टू वर्क हार्ड, वन हैज टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए, अथवा वन हैज टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। वन हैज टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। दूसरा, क्या उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी? डेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो डेड सी डेड ही या सी जो भी करनी पड़ती थी। डेड ही हैव टू लुक आफ्टर, डेड ही हैव टू लुक आफ्टर या सी हैव टू लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ही लगाएंगे तो हिज लिखिए, सी लगाएंगे तो हर लिखिए। डिड सी हैव टू लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या डिड ही हैव टू लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। नंबर तीन, क्या तुम्हें यह लंबा फासला पैदल नहीं तय करना पड़ता? कर क्या तुम्हें यह लंबा फासला पैदल नहीं तय करना पड़ता? डू यू नॉट हैव टू कवर, तय करना पड़ता है। डू यू नॉट हैव टू कवर दिस लॉन्ग डिस्टेंस, यह लंबा सफर ऑन फुट। डू यू नॉट हैव टू कवर दिस लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट। नंबर चार, तुम्हें चुनाव समिति का सामना आत्मविश्वास के साथ करना है। तुम्हें चुनाव समिति का सामना आत्मविश्वास से करके साथ करना है। यू हैव टू फेस, तुम्हें सामना करना है द सिलेक्शन कमेटी। यू हैव टू फेस द सिलेक्शन कमेटी विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ। यू have to face the selection committee with self confidence, तुम्हें आत्मविश्वास के साथ चुनाव समिति का सामना करना है। You
have to face the selection committee with self-confidence. अपने लक्ष्य पर कठिनाइयों के बावजूद हमें धीरज रखना है. Despite difficulties, कठिनाइयों के बावजूद we have to keep patience. कठिनाइयों के बावजूद despite difficulty we have to keep patience. हमें धैर्य रखना है. नंबर 6, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें लगातार और पक्के इरादे से काम करना. We have to work continuously. हमें लगातार काम करना है. We have to work continuously and with firm determination, दृढ़ संकल्प के साथ. किस लिए? To reach our goal, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए. We have to work continuously, हमें लगातार काम करना है. And with firm determination, दृढ़ संकल्प के साथ काम करना है. किस लिए? To reach our goal, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए. नंबर 7, मेरे पास पैसे नहीं थे. I had no money, मेरे पास पैसे नहीं थे. I had no money. और मुझे 2 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा. एंड आई हैड टू गो विदाउट फूड फॉर 2 डेज. आई हैड नो मनी, मेरे पास रुपया नहीं था. एंड आई हैड टू गो विदाउट फूड, बिना भोजन के रहना पड़ा फॉर 2 डेज. 8, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है, बस शांति पूर्वक अपना कर्तव्य करना है. यू हैव नॉट टू वरी, तुम्हें चिंता नहीं करनी है. यू हैव नॉट टू वरी, यू हैव ओनली टू परफॉर्म योर ड्यूटी कामली, शांति के साथ. यू हैव नॉट टू वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. यू हैव वनली टू परफॉर्म योर ड्यूटी कामली, शांति से काम करना. प्रसन्न रहने के लिए भविष्य के विषय में हमें आशावान रहना चाहिए, आशावान रहना पड़ता है. प्रसन्न रहने के लिए भविष्य के प्रति आशावान रहना पड़ता है. टू रिमेन हैप्पी, प्रसन्न रहने के लिए टू रिमेन हैप्पी वन हैज टू बी होपफुल, आसमान रहना पड़ता है. अबाउट द फ्यूचर, टू रिमेन हैप्पी वन हैज टू बी होपफुल अबाउट फ्यूचर, भविष्य के विषय. मुझे इस अवसर पर क्या बोलना है? व्हाट हैव आई टू स्पीक, मुझे क्या बोलना है? व्हाट हैव आई टू स्पीक ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर. व्हाट हैव I to speak on this occasion. और लास्ट है, टीमों के ठहरने और खाने का प्रबंध किसे देखना है. तो who has to look after, किसे देखभाल करनी है. who has to look after the lodging, ठहरने की व्यवस्था. and boarding arrangement, lodging and boarding arrangement, ठहरने और खाने की व्यवस्था. आप टीमों की, who has to look after the lodging and boarding arrangement for the teams, who has to look after the lodging and boarding arrangement for the teams. तो इस तरह से आपने देखा कि have plus infinity का विभिन्न tenses के अंतर्गत जो प्रयोग किया जाता है वह कार्य मजबूरी में करने के लिए, आवश्यक काम के लिए या धमकी वाले वाक्यों में किया जाता है. थैंक यू.